हाँ तो चलिए हम आज क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम है, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और ये यूटी में या फिर तुम्हारा टेस्ट हो, पीरियोडिक टेस्ट हो या फिर हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो हम इसमें हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वन बाई वन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। वैसे रेशनल नंबर फाइंड करने का ठीक है कम से कम 3 से 4 है मिठाई, बस हम सिंपल साधारण 1 मिनट तक समझते हैं, उसके बाद और हम आते हैं, ठीक है। आते हैं 3 और 4 के बीच में, तो पहले क्या करते हैं, क्या इसे हम 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। डेल मैटर्स सेम हो गया, कितने फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, तो कितने हमें चाहिए, तो हम लिख यहाँ पे हम देते हैं बिटवीन फाइंड द रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 5 रेशनल नंबर देते हैं, अपने मन से 5, 10, 11 कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 दे रहे हैं। 5 जब भी हम देंगे तो ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 18/6, ठीक है। हमारे पास जो नंबर आगे क्या है 18/6 डॉट डॉट यहाँ पे 24/6 है, ठीक है। इस दोनों के बीच में तुम्हारा नंबर आता है 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6 ये होता है। इसी नंबर को बीच में जो जितने हमारा ये नंबर आया है ये तुम्हारा 4 और 5 के बीच में नंबर पाया जाता है, स्टॉप। हाँ तो आज हम जो कल वीडियो हम दिए हुए थे उसी से आगे हम बढ़ते हैं, मतलब कुछ है जैसे कि हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्रेस 11/2 इन द डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो हम इसे हम डेसिमल फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो बचपन से पढ़ते हम आए हैं इसे कि हम डिवाइडिंग करते हैं, तो ठीक है हम डिवाइड करके हम देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी है डेसिमल फॉर्म में ही आता है, ठीक है। आगे आगे ठीक है, ये तुम्हारे से आ गया 5.5, ठीक है। ये तुम्हारे डेसिमल फॉर्म में आ जाता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये बचपन से पढ़ते हैं हमारे हैं, ये भी कभी कभी आ जाता है, ये भी हम देख लेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और है क्वेश्चन, ठीक है। पहले एक बार ये देखिए फिर हम दिखाते हैं, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा है, ठीक ओके सर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं किया इसमें, 2/11 ये स्ट्रगल था उसी को हम उल्टा करके फिर से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इधर में करते हैं क्या गया 11, यहाँ पे 9 बचेगा, ये सब तुम सीखे हैं। 2 आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर आ गया 9, फिर यहाँ पे 0, फिर 8। मतलब कि आप देख रहे लगातार ये है क्या है, रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। रिपीट हो रहा है 1 8 1 8 1 ऐसे ऐसे, तो हम इसका आंसर क्या लिखें 0.18 के ऊपर देख लेंगे, मतलब ये क्या हो गया, तो क्या रिपीटिंग नंबर जो बार बार अब कितने बार करो ये ही नंबर रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बार बार आता है, पूछता है। चलिए तो हम आज स्टार्ट हम करते हैं नेक्स्ट, क्या था ये एक्सप्रेस 1.4 के पेपर बार है, ये एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म में इसे लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे यूटी आया या फिर टेस्ट या फिर एग्जाम फाइनल तक ये क्वेश्चन पूछता है, तो हम ऐसे से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है। नहीं आए तो फिर आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, फिर हम उसे उसका रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट है आपका 1.4, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। और सेकेंड हम देखेंगे 0.53, दो हम देखेंगे। ये भी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम एक ही देखेंगे और सिंपल आसान तरीका, ठीक है। आते हैं, मान लीजिए x=1.444 दे दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्योंकि 4 के ऊपर बार है, बार है मतलब कि इससे से हिंदी वाले रेगुलर होते हैं, तो इसे बार बार ये रिपीटिंग नंबर रिपीट होते चला जाता है, ठीक है। एक नंबर के ऊपर जाएंगे किसके हम 10 से पढ़ेंगे, ठीक है। 10x=1.444 ये हमारा आएगा, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब आते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, हम 1 से 2 में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे 10x=14.444, ठीक है। x=1.444। हाँ एक चीज के यहाँ पे ध्यान हम रखेंगे क्या है, डेसिमल एकदम सामने सामने होना चाहिए, अगर डेसिमल यहाँ हम दे दिए क्वेश्चन गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपका 0 आएगा और ये क्या आएगा 13, ये क्या आएगा 9x, ठीक है। तो हम यहाँ लिखें 9x=13, x=13/9,
ये आपका हो गया एक आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसी से मिलता जुलता ये है, थोड़ा सा इसका भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। हाँ तो चलिए हम स्टार्ट हम करते हैं अब नेक्स्ट, अभी यहाँ से, ठीक है। फिर हम लेते हैं इस पे दो नंबर पे बार, ठीक है। एक नंबर पे था तो 10 से लिया थे, दो नंबर पे है तो 100 से लेंगे, तीन नंबर पे रहेगा तो 1000 से लेंगे, ठीक है। जितना नंबर है उतना से ले सकते हैं, ठीक। अलग अलग मेथड से भी तुम्हारे स्कूल के ट्यूशन के सर मैम लोग करवाए होंगे, बट कोई नहीं, सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो हम लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या 0.535353, ये आपको हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दो नंबर पे है इसीलिए क्या होगा 100x, तो क्या आएगा 53.535353। तो आपका यह है, कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर 5353 कितने बार लिखे, आपका मन दो बार तीन बार दस बार जितना आपका मन उतना लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अखंड राज, ठीक है। फिर हम यही करते हैं जो सेम क्वेश्चन करते हैं, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, ठीक है। फिर हम लिखते हैं 100x इक्वल टू 53.5353, तो x इक्वल टू क्या हम लिखेंगे 0.5353, ठीक है। लिख दिया 0000.53 इक्वल टू 99x, तो यहाँ लिखेंगे 99x इक्वल टू 53, क्योंकि जीरो के बाद पॉइंट के बाद नंबर को वैल्यू मतलब है कोई वैल्यू नहीं उसका, एक्स इक्वल टू 53/99, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, अगर आपको इसे कटपीट हो से कर सकते हैं, नहीं तो यही सेम है, एक बार इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए तो आज क्लास नाइन्थ के चैप्टर फर्स्ट का कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन ये सब दिए हुए हैं, ये सब भी यूटी में आप हाफ ईयरली में फाइनल में ये सब भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिया हुआ ऐड भी दिया है, मल्टीप्लाई भी दिया है, डिविजन भी दिया है, तीनों को हम एक एक मिनट में समझ लेंगे फास्ट करेंगे, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम उसमें आए नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे यहाँ पे रूट टू, पहले सिर्फ सिंपल फॉर्म यहाँ लिखते हैं 3√2 + 7√3, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड ही करना है प्लस रूट टू, और यहाँ पे आपका माइनस ये दिया हुआ था, यहाँ प्लस दिया हुआ माइनस 5√3 होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसमें यहाँ प्लस दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट बस ऐड ऐड रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा माइनस उसको करना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन लेंगे, ये दोनों हमें दिख रहे हैं कि यार √2 वाला यहाँ √3 वाले हैं, सभी को एक साथ हम लाते हैं पहले, ठीक है। 3√2 + √2 एक साथ हम ला दिए। अब यहाँ पे 7√3 - 5√3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो शायद नहीं साथ होगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब इस दोनों में से कॉमन हम देख रहे हैं √2 वाला है, तो क्या बच रहा है 3+1, तो बोलोगे 1 कहाँ से आया, तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 1 ही होता ही है, ठीक है। अब हम इस दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा √3 हम कॉमन लिए तो क्या बचेगा 7 - 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और 1 4 आ गया 4√2 + यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, तो 2√3, तो ये आपका हो गया आंसर। तो सिंपल सा है, समझ रहे हैं डायरेक्ट हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये भी बहुत आसानी है, लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं है, 15 × 3 करेंगे, इस दोनों को हम करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे और √15 करेंगे हम, √15 × √15, हाँ पता है √15 × √15 आता है 15 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 × 3 जा, ठीक है। अब हम 45 × 15 हम कर लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये खुद से करना है, इतना हमने नहीं हम करके देंगे। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन में, ये भी सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल तो डिवीजन होता है, जो भी दिया है आप इसे चाहे तो इसे आप तोड़ भी सकते हैं या ऐसे भी हम कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हम तोड़ भी करते हैं, ठीक है। 15 × √5 × √3 / 3 × √5, 3 × 5 = √5, 5 कट गया, क्या बचा था 5√3, यह हो गया